Good morning, sir. सर ये फाइल देख लीजिए। अकाउंटेंट को बुलाइए। सर उसका फोन आया था। वो ऑफिस नहीं आया? जी वो कह रहा था कि उसके घर बेटा पैदा हुआ है, इसलिए वो। उसके घर बेटा पैदा हुआ तो हम क्या करें? और आपने क्या कहा? जाहिर सी बात है सर, ऐसे मौके पे मैं कैसे मना कर सकता हूं? गुप्ता जी आप इस कंपनी के मालिक नहीं हैं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी भी स्टाफ मेंबर के बारे में इस तरह का कोई फैसला करें। एक बात बताइए सर, अगर मेरी जगह आप होते आप क्या फैसला करते? मुझे बच्चे की पैदाइश में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सर जिसके घर में बच्चा पैदा होता है उसे तो दिलचस्पी होती है, उसकी खुशी और उसके जज्बातों का आप अंदाजा लगाइए। नहीं चाहिए मुझे बच्चा अपने घर में, नहीं पढ़ना मुझे इस तरह के झमेले में, समझे आप? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं तो अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या कहा? सर आपने इस बात को पर्सनली ले लिया है, ऐसा क्यों सर? गुप्ता जी आप जा सकते हैं। जी सर। हाय हिना, एक बात बता, तुझे मेरा फोन नंबर याद है या भूल गई? एक बार भी फोन नहीं किया तूने मुझे। तू कर लेती? चार बार कर चुकी हूँ मैं, तेरी सासू माँ ने फोन उठाया था, उन्होंने बताया नहीं तुझे? वो क्यों बताएंगी, उन्हें तो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं। क्यों? मैंने तुझे बताया था यही मेरा मुकद्दर है और अपने मुकद्दर से कोई नहीं भाग सकता। मैं समझती हूँ हिना, तू अपनी सास और अपने पति के बीच में पिसी जा रही है। हिना तू मुझे इजाजत दे, मैं जाके समीर से बात करती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि उसे उसकी गलती पे टोकने वाला कोई नहीं है और तू तो इतनी सीधी सादी है। लेकिन हिना इस बात का कहीं तो अंत होगा ना, वरना नुकसान तेरा होगा और तू पछताएगी। मेरे सामने सवाल अंजाम का नहीं है पूनम, सवाल इस बात का है कि जब गायनेकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट सामने आएगी तब क्या होगा। गायनेकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट? क्या बात कर रही है तू? मैं बेबस थी पूनम, ना चाहते हुए भी मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और तू तो जानती है उस रिपोर्ट में क्या होगा और उसका अंजाम क्या होगा। जहां तक मैं समझती हूँ ना, इस बात का अंजाम तेरे हक में अच्छा होना चाहिए। समीर पर तेरा नहीं तो कम से कम तेरे ससुराल वालों का दबाव तो पड़ेगा। पूनम ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन मेरे पति की रुसवाई सहना मेरे लिए आसान नहीं। अजीब कश्मकश में पड़ गई हूँ मैं। सोचती हूँ ना, आजकल के जमाने में भी तेरे जैसी लड़की है, तू तो दूसरों के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने पे तुली हुई है। वो दूसरा कोई और नहीं, मेरे शौहर हैं। ये बात क्यों भूल रही है तू? समझ में नहीं आता है ना, तेरे लिए क्या रास्ता निकाला जाए। हाय जालिम, क्या बात है, किन ख्यालों में खोया हुआ है? अरे कुछ नहीं यार। कुछ बात तो है, जरूर कोई बात है, वरना इस तरह उदास मैंने पहले कभी नहीं देखा तुझे। और सुना कैसे आना हुआ? यार आया तो एक खास वजह से था, पर तेरे इस मूड को देख के ना मेरा भी मूड ऑफ हो गया। पता ना क्या प्रॉब्लम है, हीना से झगड़ा हुआ किसी बात पर? नहीं नहीं मैं नहीं मानने वाला, झगड़ा तो जरूर हुआ और तू मुझसे छुपा रहा है। कमाल की जोड़ी है तुम दोनों की भी, आपस की बात किसी पे जाहिर नहीं होने देते, जब देखो वो तेरे गुण गाती रहती है और तू है कि। लेकिन मेरी नजरों से तेरी उदासी की वजह छुप नहीं सकती,
तो और कोई बात नहीं कर सकता। हाँ हाँ समझ गया मैं भाई, मैं भला मियाँ बीवी के बीच में टांग अड़ाने वाला कौन होता हूँ। चल अब तो अपना मुंह ठीक कर ले और देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। देख ये कार्ड कैसा? अबे घोंचू पड़ेगा तो पता लगेगा ना, ये इन्विटेशन कार्ड है, प्रिंटर ने प्रूफ भेजा है अप्रूव करने के लिए, मैं इसे तेरे पास लेकर आया हूँ। अब फटाफट देख के अप्रूव कर दे तो मैं उन्हें बिस्मिल्लाह करने के लिए कह दूँ। पर ये है किस लिए? अरे तू पढ़ तो सही यार, तू जानता है ना कि अपने होटल के फाउंडेशन की रस्म के लिए मैं एक पार्टी देना चाहता हूँ। अब मैं अपने मेहमानों को जबानी तो दावत दे नहीं सकता ना, कम से कम इन्विटेशन कार्ड तो देना होगा ना उन्हें। ओ तो क्या बोलता है तू, ठीक है ये? हाँ हाँ परफेक्ट, तो मैं इसे प्रिंट के लिए भिजवा देता हूँ। ओके। कहो फैजान, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? एक ऐसा सवाल मेरे दोले दिमाग पर छाता जा रहा है सरफराज, कि उसे बयान करने में भी मुझे झिझक सी हो रही है। हालांकि एक अनजान जज्बे के तहत मैंने तुम्हें बुला तो लिया, लेकिन सोचता हूं कि वो सवाल दोहराऊं या नहीं। बेझिझक दोहरा दो, घर की बात है सो घर में ही रहेगी। बात यूं है सरफराज कि गुलनार इस खानदान के वारिस के लिए आस लगाए बैठी है, और वो भी इतनी बेताबी से कि हिना को डॉक्टर के यहां चेकअप के लिए भी ले गई थी। मैंने तो अपनी नागवारी का इजहार किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल खटकता है कि कहीं मैं गलती पर तो नहीं। फैजान, भाभी जान की बेचैनी बजा है और तुम भी गलती पर नहीं हो, वो इसलिए कि शादी हुए अरसा ही कितना गुजरा है, ये अमल तो 3-4 साल गुजर जाने के बाद करना चाहिए। खैर रिपोर्ट का क्या होगा? अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन शाम तक जरूर आ जाएगी। ये भी ख्याल दिमाग में आता है कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो फिर वही अल्लाह पे भरोसा रखो, जब उसकी मर्जी होगी नवाजेगा। अब अकरम की मिसाल ले लो, हमारी शादी के 3 साल बाद उसकी पैदाइश हुई थी। यहां अगर देर सवेर हो जाए तो फिक्र की कोई बात नहीं है। तुम्हारी बातों से बड़ा इत्मीनान हुआ, अब अगर रिपोर्ट नेगेटिव भी आई तो गुलनार को मैं समझा लूं। ये हुई ना बात, अब मैं चलता हूं, लेकिन शाम को फिर हाजिर हूंगा। बैठ जाओ हीना। देखो मैं तुम्हारे दिल की परेशानी को समझ सकती हूँ, पर रिपोर्ट तो आनी है ना, और उसमें जो लिखा होगा वो भी होना है। तुम्हारे इसे बेचैन होने से रिपोर्ट तो नहीं बदल जाएगी। यही तो मैं अपने मन को समझा रही हूँ, लेकिन दिल है कि बैठा जा रहा है। आज रिपोर्ट मिलने वाली है, और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है ऐसा लग रहा है कि दिल उछल कर गले में अटक गया हो। तुम अपने दिल पर काबू पाने की कोशिश करो, अपने आप को हालात के हवाले कर दो, इसका बस यही एक इलाज है। अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी, कहा तो था 5 बजे भिजवा दूंगी। ओफो, 5 तो कब के बज चुके हैं, जरा फोन करके पता करिए कि रिपोर्ट भेजी है या नहीं, वरना फोन पर ही मालूम कर लीजिए। बड़े सरकार, ये आपसे मिलने के लिए आए हैं। फरमाइए। मिसेस हीना समीर जी। मैडम ये रिपोर्ट। शुक्रिया। क्या हुआ, क्या लिखा इसमें?
अब चुप क्यों है? समझ गए, मुझे पहले से ही शक था, हीना बांझ है, खोट है उसमें। खोट उसमें नहीं है, हमारी अपनी तकदीर में। तकदीर में? ये क्या कह रहे हैं आप? लीजिए, पढ़ लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। आदाब भाभी, कैसे हो फैजान? रिपोर्ट आ गई? क्या बात है, तुम दोनों मायूस क्यों बैठे? बस इतनी सी बात की वजह से तुम दोनों मायूस हो गए? बात मायूसी की नहीं तो और क्या है भाईजान? बात सीधी है, मैं समीर से बात करूंगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम समीर से कहोगे क्या? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं बेकार में बेचारी हीना को कोसती रही और खुदा की कुदरत तो देखो, हमें ही मुंह की खानी पड़ी। अब हीना को संभालना आपका काम। समीर, मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम उस रिपोर्ट को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कमाल करती हो तुम, इतना भी नहीं समझती कि उससे ये भेद खुल जाएगा कि मैंने आज तक हीना को एक बीवी का दर्जा दिया ही नहीं, और उसके बाद एक ऐसा जलजला आ जाएगा कि कैसे एक्सप्लेन करो। हीना को घर में लाते वक्त इस जलजले का ख्याल क्यों नहीं किया था तुमने? तुम जानती हो कि उन दिनों मेरे हालात क्या थे? उस वक्त तुमने अपने आप को सरेंडर कर दिया था ना, आज भी कर दो। ये नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं। क्यों, डरते हो अपने बदनामी से? और अगर नहीं डरते तो जाके अपने माँ बाप से कह दो मेरी शादी रूबी के साथ करा दो, वारिस की कमी भी पूरी हो जाएगी। हीना के उस घर में रहते हुए मेरे पास ये बात कहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वो कब तक नागिन बनकर उस घर में बैठी रहेगी? समीर, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है उसे अपने घर से बाहर निकालने की, और ना तुम्हारे में हिम्मत है अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत करने की। बात कहूं, सच तो ये है समीर कि तुम एक बहुत खुदगर्ज इंसान हो, सिर्फ अपने लिए जीते हो, तुम्हारे से कुछ भी नहीं। तो यह है समीर कि तुम एक बहुत खुदगर्ज इंसान हो, सिर्फ अपने लिए जीते हो। हीना को घर में लाते वक्त इस जलजले का ख्याल क्यों नहीं किया था तुमने? वो कब तक नागिन बनकर उस घर में बैठी रहेगी? समीर, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है उसे अपने घर से बाहर निकालने की, और ना तुम्हारे में हिम्मत है अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत करने की। डरते हो अपने बदनामी से? सच तो यह है समीर कि तुम एक बहुत खुदगर्ज इंसान हो,
सिर्फ अपने लिए जीते हो, तुम्हारे से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। समीर पढ़ो इसे। मैं जानती हूं कि ये रिपोर्ट बेबुनियाद है, मगर तुम अपनी सफाई में किस किस का मुंह बंद करोगे? है कोई जवाब तुम्हारे पास? समीर, मैं जानती हूँ कि ये रिपोर्ट बेबुनियाद। वो कब तक नागिन बनकर उस घर में बैठी रहेगी? मगर तुम अपनी सफाई में किस किस का मुंह बंद करो? तुम्हें हिम्मत नहीं है उसे अपने घर से बाहर निकालने की। ये है समीर कि तुम एक बहुत खुदगर्ज इंसान। मगर तुम अपनी सफाई में किस किस का मुंह बंद करो? कुछ नहीं होगा। है कोई जवाब तुम्हारे पास? तुम एक बहुत खुदगर्ज। मैं जानती हूँ कि ये रिपोर्ट बेबुनियाद। तुम्हें है कोई जवाब तुम्हारे पास? उसे अपने घर से बाहर निकालने की। है कोई जवाब तुम्हारे पास? अपनी इस पहली जीत पर खुश तो तुम बहुत हो रही होगी। लोगों की नजरों में मुझे घिराकर अपने आप को बहुत ऊंचा साबित कर दिया तुमने। घर वालों ने तो तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठा लिया होगा। लोगों से हमदर्दी बटोरती फिर रही होगी तुम और अपने आप को कह रही होगी कि देखो मैंने अपना सारा बदला ले लिया। अच्छा बदला लिया है, बहुत अच्छा बदला लिया है। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं मैं, और आज अपने पूरे होश हवास में मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं, आपको खुदा का वास्ता, आगे कुछ मत कहिए। मैं आपके पैर पड़ती हूं। आपको रसूल का वास्ता, आगे कुछ मत कहिए। आप मेरे साथ जो चाहे कर दीजिए, मगर ऐसा मत कहिए। आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता, आगे कुछ मत कहिए, आगे कुछ मत कहिए।